वेलकम उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर। और मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल, ये बेटी ममता ठाकुर है जो कि जम्मू की रहने वाली है, इसकी शादी यहाँ वेलकम में हुई है, बिल्कुल डीसीपी ऑफिस उत्तर पूर्वी दिल्ली के पास। इस बच्चे के साथ बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं इसके ससुराल वाले, आप खुद जान सकते हैं। मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे भाई रविंदर रैना जी, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई हमारे आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा एक हमारी जम्मू की बेटी के साथ हुआ है, ये मेरी भी बेटी है, मैं इसकी पूरी मदद के लिए तन मन धन से और कानूनी लड़ाई के लिए मैं इसके साथ हूँ, और मैं इसको कुछ आर्थिक मदद भी करने के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं इसके साथ हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बहन बेटी बच्चियों के साथ हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारी सरकार देती है, तो एक भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता होने के नाते हम हर समाज की बच्ची और बेटी के साथ खड़े हैं उसकी मदद करने के लिए। बेटा ये कुछ सहायता राशि अपनी बेटी को दे रहा हूँ। अब बता तो क्या बात है, कौन है तेरे ससुराल वाले? सर मेरे ससुराल वाले सर, उनको कल पता चला है कि मैं आ रही हूँ, वो कल गायब ही हो गए हैं घर से। क्या किया तेरे साथ? मेरे साथ मेरे बच्चा था, मेरे पेट में 3 महीने के बच्चा था, और मेरे को डॉक्टर ने ट्रेवलिंग करने के लिए मना किया हुआ था, उन्होंने ट्रेवलिंग की, यहाँ से मुझे लेके गए जम्मू लेके गए, मैं नहीं जा रही थी, ये सिस्टर मेरे साथ थी। हाँ। इसने भी मना किया कि डॉक्टर ने मना किया मत लेके जाओ, उन्होंने मेरे को ऐसी गोली दी कि मतलब कि मेरा दिमाग घूमने लगा, और मुझे ऑटो में बैठाया और मुझे ट्रेन में डाला और मुझे लेके चले गए, और मुझे जब लेके चले गए तो वो जब मेरे को कहने लगे पथरी की दर्द है, पथरी की स्टोन थे स्टोन की दर्द, लेकिन स्टोन की दर्द मुझे अभी तक नहीं पड़ी अभी, क्योंकि वो अभी चू रहा है, और वो मुझे दर्द पड़ती थी जो बेबी अंदर सांस उनकी बेबी की बंद हो रही थी ना, उसकी दर्द मुझे बहुत पड़ती, मैं रात को सोती नहीं थी। फिर उधर से इन्होंने मुझे क्या किया, दर्द वगैरह की गोलियां वगैरह लेके दी, नरवाल से लेके दी। फिर उसके बाद हम क्या किया, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, जाके फेंक दिया मेरे माँ के घर में, मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। और फिर मेरे पति ने क्या किया, वो उधर से करवा चौथ वाले दिन भी उधर मत रहना, और वो जब घर में आए उसी दिन मैं बीमार थी, मुझे बीमार उधर बीमार छोड़े हुए वापस वो अपने घर में आए, घर में आके सारा सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर मैं क्या हुआ, उसके दूसरे दिन मेरी मम्मी मुझे उठा के हॉस्पिटल नौशहरा में लेके गई, वहाँ पे डॉक्टर विक्रम थे जम्मू के, तो उनको हमने स्पेशलिस्ट दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि क्या नाम इंजेक्शन वगैरह लगाओ वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा ये पथरी की दर्द नहीं है, वो बेबी मर गया है। हाँ जी वो बेबी की डेथ हो गई है। आज हम बेटी बचाओ बेटी